Hello everyone, I'm Shambhavi from Progressive Science Education, and today I'm going to start from question and answer. As you all know that earlier I have told you all the topics of chapter number 13, sound. Now, today I will revise you what topics we have studied and start question and answer. So, firstly I wanted to revise you all. जैसे कि हमने साउंड के बारे में क्या क्या पढ़ा, हमने पहले ये देखा कि साउंड क्या होती है. साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वेव. एज यू ऑल नो दैट साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वेव. आज मैं कुछ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगी जो अभी आपके टॉपिक्स में भले ही ना हो, लेकिन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपसे पूछी जा सकती हैं. सो फर्स्टली आपको ये ध्यान में रखना है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that produce sensation of hearing, and you can also say that it help us in it enables us to hear. Now you can also say that sound is a kind of wave. Sound ek wave hai. Sound is a kind of wave, and you have to understand also that what is wave. आपको साउंड पता चल गया कि साउंड वेव है, बट आपको ये भी जानना है कि वेव क्या होता है. सो इट इज़ ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम that transfer energy from one particle to another. As you take an example, जैसे कि आप कोई river में अगर stone को throw करते हो तो उस पर ripples बन जाते हैं. तो वो ripples क्यों बनते हैं? क्योंकि एक particle दूसरे particle को disturb करता है, दूसरा तीसरे को करता है, ऐसे ही वो एक दूसरे को disturb करते जाते हैं जिससे ripples बन जाते हैं. So it is the periodic disturbance in the medium that transfer energy from one particles to another. और मैंने आपको ये भी बताया था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. साउंड किसी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगी. और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे कैसे वाइब्रेशन होता है ऑब्जेक्ट्स में, कैसे कैसे टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें वाइब्रेशन होता है. और एज यू सी इन द ह्यूमन बीइंग, आपकी नेक में वॉइस बॉक्स के पास नियर वोकल कॉर्ड्स, वॉइस बॉक्स के पास जो वोकल कॉर्ड्स होता है वहाँ पर वाइब्रेशन कैसे होती है मैंने आपको बताया था. और जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके वॉइस बॉक्स कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है नेक का, वो भी मैंने आपको शो किया था. और मैंने आपको ये भी बताया था कि साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट. साउंड को किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए. साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती. साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है. नाउ आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ कि आपने ये तो सब कुछ साउंड के बारे में देख लिया और ये भी देखा कि साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वेव. नाउ अब साउंड किस टाइप की वेव होती है वो आप देखेंगे. तो साउंड इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. साउंड इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मीन्स वेव के टू टाइप्स होते हैं, यानी साउंड तो वेव का काइंड है ही, बट वेव के टू टाइप्स होते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो मैकेनिकल वेव, इट इज़ अ वेव इन विच नीड अ मीडियम टू ट्रैवल. मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसे मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम से भी और वैक्यूम से, दोनों से ट्रैवल कर सकती है. ओके नाउ अब डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स मूव, जैसे कि पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके अकॉर्डिंग वेव कितनी टाइप की होती है. सो इट इज़ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांजर्व वेव्स. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो मोशन. ओके लॉन्गिट्यूडनल वेव में टू एंड फ्रो मोशन करते हैं एंड ट्रांजर्व वेव में अप एंड डाउन मोशन करते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नेचुरल, मीन्स यू कैन लर्न इट विद देयर नेम्स, यू कैन अंडरस्टैंड विद देयर नेम्स, इट इज़ वेरी ईजी. एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके सो यू हैव टू लर्न द काइंड ऑफ वेव्स. ऑल द मैंने जो भी आपको बताया था कि कौन सी एसआई यूनिट लगती है, एज यू नो हर्ट्स, सेकेंड एंड मीटर कब कब लगती है, किस किस में लगती है, यू हैव टू लर्न एट ऑल. ओके नाउ अब आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में टू टाइप्स होता है. फर्स्ट इज कंप्रेक्शन एंड सेकेंड इज रेयरफैक्शन. कंप्रेशन वाला जो रीज़न होता है
इन विच पार्टिकल आर क्लोजर टू ईच अदर. जब पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज होते हैं तो उस रीजन को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस रीजन को हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं. सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, नाउ आई वांटेड टू नो यू ट्रांसर्व वेव. इट इज़ द वेव इन विच पार्टिकल वेव सॉरी वाइब्रेट अप एंड डाउन एज आई हैव टोल्ड यू. ओके, ट्रांसर्व वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेशेंट ट्रफ. क्रेशेंट ट्रफ कंसिस्ट होता है, जैसे मैंने आपको अप एंड डाउन मोशन बताया था, इस एक रिंग टाइप होता है, अप एंड डाउन मोशन स्प्रिंग जैसा होता है अप एंड डाउन मोशन, एज मैंने आपको लास्ट वीडियो में पिक्चर में दिखाया था, फोटो में दिखाया था, दैट इज़ अप एंड डाउन मोशन. सो उसमें जो अप जब अप वाला मोशन होता है, मतलब जब ऊपर जाता है तो उसे क्रेस्ट कहते हैं, जब डाउन मोशन होता है तो उसे ट्रफ कहते हैं. ओके, और सो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि इन सब में इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव एंड लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसर्व वेव. अगर आप साउंड की बात करते हो तो आप उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव और मैकेनिकल वेव कहोगे, जब आप लाइट की बात करते हो तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसर्व वेव है. ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड. सो मैंने आपको इस चैप्टर में ऑसिलेशंस के बारे में भी बताया था. इट इज़ द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अबाउट इट्स मेन पोजिशन. ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई, डेफिनेशन बताई, उसको आपको डेफिनेटली याद करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द वॉइस ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन. सो आंसर, Children produce a sound of high frequency and of higher pitch, whereas an adult produces a sound of lower frequency and of lower pitch. Now come to the third question, that is what kind of instrument is guitar. Guitar is a string instrument. Now come to the next question, question number 4, what is the audible range of human. Answer, audible range of human's ear is between 20 hertz to 20,000 hertz. Very important. Audible range of human's ear is between 20 hertz to 20,000 hertz. Now question number 5. How is noise produced? Noise is produced by irregular vibration of sound producing source. Now what is amplitude of vibration? And how is amplitude related to loudness? Answer, the maximum displacement of vibrating object from its mean position is called amplitude of vibration. The loudness of sound depends upon amplitude of vibration. Larger the amplitude of vibration, the louder is the sound. Now come to the question number 7. Give two uses of ultrasonic sound. Answer, two uses of ultrasonic sounds are, ultrasonic sound is used in sonar system, surgical tools and cleaning system. And second point is, it is used to diagnose many internal elements. Now come to the question number 8. A bat screams with the sound more than 20,000 hertz, but we cannot hear. Answer, we cannot hear sound more than 20,000 hertz because our audible range is between 20 hertz to 20,000 hertz, and more than 20,000 hertz sound is ultrasonic sound. Now come to the question number 9, that is what are the characteristics of sound. So loudness, pitch, quality and intensity are the characteristics of sound. Now come to the question number 10, that if frequency of an oscillation of sound is 25 hertz, what would be the time period? Answer, frequency is equal to 25 hertz, time period is equal to 1 upon frequency is equal to 1 by 25, then the answer 0.04 seconds. And I wanted to know you all that the main characteristics of sound are loudness, pitch and quality. इंटेंसिटी यू कैन से, बट मेन जो होता है वो लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ही होता है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द लॉन्ग आंसर. ओके, हाउ डू वी हियर साउंड, एक्सप्लेन. वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स
Our external ear is called ear pinna. It shapes like a funnel. Sound waves enter through external ear and reach the eardrum or tympanum through ear canal. From eardrum, sound waves reach inner ear through middle ear. The inner ear part of the ear has a coiled tube called coicula. It is filled with the liquid containing nerve cell sensitive to sound. From inner ear, sound waves are sent to the brain, which interrupts these signals and we hear the sound. I hope you understand this answer. This is very easy answer. Okay, you can see it in your daily life also. That कैसे हम sound कि आप इसे देख मतलब समझ सकते हो, आप इसे महसूस कर सकते हो कि हम कैसे sound को hear करते हैं. Okay, जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था साइंस, जब मैं चैप्टर नंबर 13 लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे साउंड को हम सुन पाते हैं अपने ईयर्स की हेल्प से. इस चैप्टर में मेन जो है आपके नेक से रिलेटेड है और आपके ईयर से रिलेटेड है, और जितनी भी उससे रिलेटेड डेफिनेशंस हैं वो मेनली ज़्यादा पूछी जाती हैं, और जो भी आपसे मतलब मैंने ऐसा ही यूनिट्स बताया वो सब भी. ओके, सो come to the next question, that is question number 12. What are the difference between noise and music? Noise of music mein to bahut bada difference hota hai, as you all know that noise, sound that appears unpleasant to us is called noise. Noise is produced by the irregular vibration of sound producing source. Example, sound of horn, sound of aeroplanes, etc. Music, sound that appears pleasant to us is called music. Musical sound is produced by the regular vibration, song of a good singer, etc. It's an example. Now come to the question number 13. How do trees control noise pollution? Answer. Trees control noise pollution through sound absorption. Plants' parts such as stem, leaves, branches, wood, etc. absorb sound due to their dynamic surface area. Now question number 14. In the game of hide and seek, the blindfolded player is able to catch the remaining player. Answer. In the game of hide and seek, the blindfolded person guesses the player closest to him by following the sound generated by the movement and the speech of the closest player. Now it's the end. So whatever I have told you all about this chapter, all of them are very important. So please revise it again and again. And if you all like my video, so please like, share, subscribe, and please press the bell icon. Okay, bye bye.